रानी और समस्त देवतागण, अत्यंत कष्टकारक समाचार है। कष्टकारक समाचार? ऐसी क्या अनहोनी हो गई वायुदेव? प्रजापति दक्ष के शाप के फलस्वरूप चंद्रदेव क्षयग्रस्त होकर निस्तेज हो गए। उनके प्रकाश के अभाव में पृथ्वी लोक और नक्षत्र लोक में मलिनता छा गई है। वातावरण प्रदूषित होने लगा है और सृष्टि की व्यवस्था का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। देव, ये तो निसंदेह दुखद समाचार है वायुदेव। यदि शीघ्र ही समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय ना किया गया तो चंद्रदेव सदा सदा के लिए निस्तेज हो जाएंगे। पुत्र चंद्र, पुत्र पुत्र चंद्र, वही हुआ जिस बात का मुझे भय था। दक्ष के इस कठोर शाप के आगे हमारे सभी मंत्र, यज्ञ, हवन कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। हम वो अभागे माता पिता हैं जिनकी आंखों के सामने उनके पुत्र को। नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी, ऐसा सोचे भी नहीं। माँ जननी होती है, उसमें सृजन की शक्ति होती है। वह अपनी संतान के लिए मृत्यु से भी संघर्ष कर सकती है। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। परमपिता, क्या चंद्र सदा के लिए अस्त हो जाएगा?
क्या आप नक्षत्रों को नए सिरे से अपने मार्ग निश्चित करने होंगे? कुछ तो कीजिए। हे सृष्टिकर्ता, आपकी सृष्टि पर संकट मंडरा रहा है। यह सत्य है, चंद्र से अपराध हुआ है, और यह भी सत्य है कि दक्ष ने क्रोध में आकर अपने अपराधी जामाता को श्राप दे डाला। उसे यह भी ध्यान न रहा कि चंद्र मात्र दक्ष का जामाता नहीं, सृष्टि का एक आवश्यक यंत्र भी है। उसके न रहने से पृथ्वी का संचालन डावाडोल भी हो सकता है। किंतु तो क्या सृष्टि समाप्ति के कगार पर पहुंचने वाली है परमपिता? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सृष्टि की रचनात्मक शक्तियों का यह द्वंद एक सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। इस दशा में मुझे विचार करना होगा। विचार देवऋषि, वहां सृष्टि पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं और ब्रह्मा जी ध्यान में डूबे हुए हैं। इस समय इनके ध्यान में मात्र सृष्टि की चिंता है देवराज, अन्य कुछ नहीं। परंतु इसमें इतना सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी को करना होगा कि चंद्र को शाप से मुक्त करने के लिए अपने मानस पुत्र दक्ष को बाध्य करें, अन्यथा सृष्टि में प्रलय हो जाएगी। देवऋषि, प्रलय हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता देवराज इंद्र, हमें धैर्य से काम लेना होगा। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। भगवान शिव शंकर की कृपा से चंद्र की रक्षा का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हमारा हृदय टूट चुका है माते, कैसे पिता है हमारे? एक हाथ से हमारा कन्यादान करके हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और दूसरे हाथ से छीन भी लिया। माते, उनसे कहो कि हमें पति का प्रेम नहीं, उनकी आयु और हमारा सौभाग्य चाहिए। पिता अपना श्राप लौटा ले और हमें हमारा पति दे दे। वे जैसे भी हैं, हम उनके साथ जीवन निर्वाह करेंगे। तुम्हें कैसे समझाएं पुत्रिया? दिया हुआ श्राप लौटाया नहीं जा सकता, ये असंभव है। हाँ, अब एक आसरा है, भगवान शिव शंकर। वो भक्त वत्सल हैं, भोलेनाथ हैं। यदि उन्हें तुम बहनों पर दया आ गई तो चंद्र को नया जीवन और तुम सबको तुम्हारा सौभाग्य सिंदूर भी मिल सकता है। तुम धैर्य मत छोड़ो अश्विनी, तुम सबकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ये मौन कैसा है? क्या मैं इस मौन का कारण जान सकता हूं? महारानी, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता? आपके प्रश्न का उत्तर मैं देती हूं पिताश्री। देखिए इन्हें, ये आपकी वही प्रिय पुत्रियां हैं जिनके सौभाग्य चंद्र पर दक्ष नाम का ग्रहण लग गया है, जो चंद्र को निगल जाना चाहता है। पुत्री, क्रोधित मत होइए पिताश्री, और इतना मंगल करने के पश्चात आपको मुझे पुत्री कहने का भी कोई अधिकार नहीं। मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। तुम वहाँ नहीं जाओगी, और यदि तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की तो आप मुझे भी श्राप दे दीजिएगा। इससे अधिक आप कर भी क्या सकते हैं? माते, जीवन मृत्यु के इन संघर्ष क्षणों में मैं अपने पति को एकाकी नहीं छोड़ सकती। मैं जा रही हूँ। रोहिणी, यदि तुमने इस महल की चौखट भी लांघी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बस कीजिए बस। यदि आप इन पुत्रियों के पिता हैं तो मैं माता हूँ। प्रसव पीड़ा आपने नहीं, मैंने सही है। यदि आपने अपने मुख से एक भी अपशब्द कहा तो मैं यही की यही अपने प्राण त्याग दूंगी। दक्ष महल, इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, हर स्थान पर चंद्रदेव की गंभीर स्थिति पर चिंता का वातावरण बन गया। देवर्षि नारद, गुरु बृहस्पति सहित सभी देवगण चंद्र की निरंतर क्षीण होती स्थिति से तनावग्रस्त हो उठे। चंद्रदेव की माता ने पुत्र को इस संकट से उबारने के लिए कैलाश जाने का निश्चय किया।
आप कहाँ हैं प्रभु? आपके चरणों में मेरी पूजा स्वीकार हो प्रभु। नंदी, भृंगी, शिवगणों, प्रणाम। सती माता। सती माता की जय। महादेव यहाँ नहीं है। नंदी, वे कहाँ गए? मैं भी स्वयं चकित हूँ माता। जब भोलेनाथ के दर्शन के लिए मैं आया था तो भोलेनाथ यहाँ पर समाधि में लीन थे, अब पता नहीं कहाँ अदृश्य हो चुके हैं। प्रणाम महादेवी सती। संभवतः आप मुझे जानती नहीं, जानेंगी भी कैसे, आप मुझे प्रथम बार देख रही हैं। आप कौन हैं देवी? हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं। मैं अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी, चंद्रदेव की माता अनुसूया हूँ महादेवी सती। महादेव जी और आपके चरणों में प्रणाम करने आई हूँ। आप चंद्रदेव की माता अर्थात मेरी बहनों की सास माता हैं। आपका स्वागत है, आप तो हमारे लिए परम पूज्य हैं। कहाँ है देवादिदेव महादेव? हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि वे अचानक कहाँ अदृश्य हो गए। ऐसा लगता है दुर्भाग्य की छाया शीघ्र ही मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कितनी आशा लेकर आई थी मैं महादेव के दर्शनों के लिए। प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में प्रभु सदाशिव जगत के कण कण में विराजमान है और भक्तों का संकट निवारण करने के लिए तो वे सदा तत्पर रहते हैं। आपके मन में जो है वो कहिए माता, सदाशिव आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। पता नहीं वह कैसी अशुभ घड़ी थी जब दक्ष प्रजापति अपने पुत्रियों का संबंध हमारे पुत्र चंद्र से करने आए थे। आप कैसी बातें कर रही हैं माता? चंद्र से मेरी बहनों का संबंध तो अटल था। चंद्र से रोहिणी आदि नक्षत्र कन्याओं का विवाह विधि के विधान के अनुसार ही हुआ है और इसे कोई मिथ्या नहीं कर सकता। परंतु विवाह के पश्चात जो भी कुछ हुआ वो निरर्थक कार्य है। सारा संसार जानता है कि मेरा पुत्र चंद्र स्वभाव से चंचल और भावुक है। तुम्हारी सभी बहनों में से रोहिणी ही उसे सबसे अधिक प्रिय है और उसी का परिणाम आज चंद्र भुगत रहा है। क्या हुआ चंद्रदेव को? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर चंद्र को शाप दे डाला है क्षय रोग से ग्रस्त होने का। अब इस संकट से महादेव के अतिरिक्त हमें और कोई नहीं बचा सकता। पिताश्री, ये आपने क्या कर दिया? अपने ही जामाता को श्राप देकर अपनी पुत्रियों को वैधव्य की काली छाया की ओर ढकेल दिया। किंतु माता, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मेरे पिताश्री का श्राप चंद्रदेव को नष्ट नहीं कर सकता। आपको विश्वास है? कैसे? विधाता के विधान के अनुसार सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र अमर है, प्रलय काल तक इन्हें कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, श्राप से इन्हें कष्ट अवश्य हो सकता है। मैं चंद्र के कष्ट निवारण के लिए ही महादेव जी की शरण में आई हूँ। मुझे कष्ट निवारण का कोई उपाय बताइए महादेवी जी। चराचर पति शिव जी की अखंड आराधना से असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने भी आराधना द्वारा ही कैलाश में शिव चरणों में स्थान पाया है। श्राप का प्रभाव नष्ट करने का एक ही उपाय है और वो है मृत्युंजय महादेव की आराधना। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते।
परमपिता ब्रह्मा, आपने शिव आराधना करके चंद्र की श्राप मुक्ति का उपाय अवश्य जान लिया होगा, कृपया हमें बताएं। चंद्र की श्राप मुक्ति का एक ही उपाय है, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय महामंत्र? हाँ, मृत्युंजय महामंत्र से शिव की अटूट कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु का भय दूर हो जाता है। परमपिता, हम सब मिलकर इस मृत्युंजय महामंत्र से शिव की आराधना करेंगे और चंद्र के कष्ट का अंत अवश्य करेंगे परमपिता। परंतु देवराज, मृत्युंजय महामंत्र की अमर ध्वनि का प्रभाव चंद्र पर पड़े, इसके लिए उन्हें स्वयं आर्यावर्त के पश्चिमी समुद्र तट जाकर प्रभा क्षेत्र में शिव आराधना करनी होगी। मंत्र ध्वनि के प्रभाव से चंद्र पर पड़े शाप का प्रभाव धीमे धीमे समाप्त होने लगेगा और शिव की कृपा प्राप्त होगी। समुद्री वातावरण के प्रभाव से चंद्र शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। नारायण नारायण। स्वामी, आपकी दुर्दशा मेरे ही कारण हुई है, इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगी। रोहिणी, बहू, इस तरह अपने आप को दंडित करने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को मिलकर ही चंद्र को बचाने का उपाय करना होगा। माताश्री, तुम समझती हो मेरे चंद्र की इस दुर्दशा का कारण तुम हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुमने तो सदा ही मेरे चंद्र के हृदय को प्रफुल्लित किया है, उसे सुख दिया है, तुम उसके दुख का कारण कैसे बन सकती हो? माते, मुझे ज्ञात है तुम्हारी बहनों के प्रति उपेक्षा दिखाकर चंद्र ने उचित नहीं किया, परंतु इसके लिए मैं उसे दोषी नहीं समझती हूँ। परंतु माते, सारा दोष मेरा है। यह आप क्या कह रही है माते? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का प्रस्ताव ही मुझे स्वीकार नहीं करना था, जिसमें उन्होंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह मेरे चंद्र के साथ करने की बात कही थी। परंतु आपने और पिताश्री ने तो कहा था कि विधाता का अटल विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। दुर्भाग्य को विधि का अटल विधान बताकर किसी भूल से मुक्ति नहीं पाई जा सकती रोहिणी। भूल तो भूल ही होती है और भूल का परिणाम जाने अनजाने सभी को भुगतना पड़ता है। तो मेरी बहनों की उन आकांक्षाओं का क्या होता? उन्होंने भी तो मेरे समान चंद्रदेव को मन ही मन पति स्वीकार कर लिया था। मन ही मन पति रूप में स्वीकार करने का अर्थ किसी को विवाह के लिए विवश करना नहीं होता है रोहिणी। तुम्हारे पिता दक्ष का कर्तव्य था कि वे इस विवशता को रोक देते। परंतु इस प्रस्ताव को चंद्रदेव ने भी तो चुपचाप स्वीकार कर लिया था। चंद्र के मन की बात का पता लगाना हम माता पिता का कर्तव्य था, जो हमने नहीं किया और इसी का दंड हम भुगत भी रहे हैं। परंतु पिछली भूलों की बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे भी हो, हमें चंद्र को इस संकट से उभारना ही होगा। सब कहते हैं कि श्राप को विफल नहीं किया जा सकता, उसका प्रभाव होकर ही रहता है। समझ में नहीं आता अब हम क्या करें। इसी कारण मैं शिव शंकर के शरण में कैलाश गई थी, परंतु दुर्भाग्य से वहां भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। सती बहन तो वहां आपको अवश्य मिली होंगी। हाँ, उन्हीं का दिया विश्वास लेकर मैं कैलाश से लौटी हूँ। सती ने कहा है शिव की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। चंद्र के प्राण रक्षा हेतु अब हमें शिव की आराधना करनी होगी, यही एकमात्र उपाय है। अवश्य माताश्री, इस आराधना में मैं भी आपके साथ हूँ। बेटी, मैं चंद्र की माता हूँ और तुम धर्म पत्नी। हम दोनों के हृदय से जो पुकार निकलेगी उसका प्रभाव होकर रहेगा। भगवान शिव की कृपा हमें अवश्य प्राप्त होगी।
चंद्र के श्राप का अवश्य अंत होगा। नारायण नारायण। देवी रोहिणी निश्चिंत हो जाओ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से संकट अवश्य टल जाएगा। सत्य कह रहे हैं देवीशी। नारायण नारायण। हरि भक्त कभी झूठ नहीं बोलता। परमपिता ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान इस संकट की ओर आकर्षित करने का एक उपाय बताया है। कौन सा उपाय देवशी? रोहिणी, आर्यवर्त के पश्चिम भाग में प्रमास क्षेत्र है, उसके समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव शंकर का मृत्युंजय जाप निरंतर करने से तुम्हारे पति मृत्यु के मुख में जाते हुए भी लौट आएंगे। परंतु ये मृत्युंजय मंत्र है क्या देवशी? ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। यदि इस मंत्र का स्वयं चंद्रदेव जाप करेंगे तो साक्षात भगवान शिवशंकर प्रकट होकर दक्ष द्वारा दिए गए श्राप का निवारण करेंगे। परंतु इनकी तो ये दशा है, ये मंत्र का जाप करेंगे कैसे? व्यर्थ की चिंता न करो देवी, सर्वप्रथम इस मंत्र का जाप आरंभ करो। शिवजी की कृपा से मंगल ही मंगल होगा। नारायण नारायण। शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः 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 शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। स्वामी स्वामी आप पद्मश्री। स्वामी रोहिणी माते। स्वामी चिरंजीव रहो पुत्र। माताश्री देवऋषि के कहे अनुसार मैंने शीघ्र ही प्रमास क्षेत्र ले जाऊंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माताश्री कि मेरा सौभाग्य अक्षुण रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, अखंड सौभाग्यवती भव। जलदेव मेरे पति की रक्षा करना।
निरंतर जाप करते रहें, जब तक भगवान शिव की हम पर कृपा न हो। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। देवी। स्वामी, स्वामी, श्रापग्रस्त चंद्र के संकट का निवारण कीजिए, अन्यथा मेरी बहनों के साथ ही सृष्टि में भी अनर्थ व्याप्त हो जाएगा, प्रलय आने का कोई संशय नहीं रहेगा। चिंता न करो प्रिय, चंद्र को दिए हुए श्राप का परिमार्जन अवश्य ही होगा। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय।
शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। ॐ नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। मृत्युंजय मंत्र के निरंतर जब से तुमने हमें प्रसन्न किया, साथ ही मृत्यु को भी जीत लिया, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो गया, श्राप मुक्त हो गया प्रभु। पूर्ण रूप से नहीं, किंतु श्राप का किंचित मात्र प्रभाव तुम पर अवश्य रहेगा। वो कैसे प्रभु? इस कारण कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में तुम क्षीण होकर अमावस्या तक आकाश से अदृश्य हो जाओगे, किंतु मेरे वरदान के प्रभाव से शुक्ल पक्ष में तुम्हारा तेज बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा आने पर तुम पुनः अपना स्वाभाविक रूप प्राप्त कर लोगे। मंगल हो। भगवान, आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। कहो। जिस शिव ज्योति ने आज मेरे रोग का निवारण करके मुझे नवजीवन प्रदान किया, वही आपके अन्य भक्तों की प्राण घातक रोगों से रक्षा करे। अतः निवेदन है कि आपकी ये ज्योति यही विराजमान रहे और आने वाले युगों युगों तक शिव भक्तों का कल्याण करती रहे। तथास्तु। जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तक ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। दक्ष ने चंद्रदेव को क्रोध में श्राप दिया था, ब्रह्माजा से चंद्रदेव ने शिव का जाप किया था। चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति देने स्वयं शिव आए, चंद्र का यश बढ़ाने ही वो सोमेश्वर कहलाए। सौराष्ट्र के सोमनाथ की महिमा होती नहीं बखान, इनके स्मरण से मिल जाता है मन चाहा वरदान। सोमनाथ जी नए रूप में आज भी मन को भाए, इनके दर्शन करने से ही रोग निकट ना आए।
नारायण नारायण। कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। हे महेश्वर, आज कैलाश पर आकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ का कण कण आनंद का प्रपात बन गया हूं। यहाँ की पर्वतमालाओं ने जैसे सत्य शिव और सुंदर का रूप धारण किया हो। हे महादेव, ऐसा अद्भुत दृश्य और प्रकृति का विलक्षण रूप कभी नहीं देखा। आज महाशिवरात्रि है देवर्षि। प्रभु, शिवरात्रि की महिमा पर आप ही प्रकाश डालिए। सर्वप्रथम जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था, वो मार्गशीर्ष मास में आद नक्षत्र से युक्त प्रतिपदा का समय था। सर्वप्रथम विष्णु और ब्रह्मा ने मेरे दर्शन किए थे और तभी से यह दिन महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात है। हे महेश्वर, इस शुभ दिन का महत्व बताने की कृपा करें। भक्तजन इस रात्रि को शिव कृपा पाने की इच्छा से हमारा पूजन करते हैं, किंतु ये इच्छा पूर्ण होना इतना सरल नहीं। क्यों प्रभु? जब तक हृदय में अज्ञान और अधर्म का साम्राज्य चलता रहेगा, ना तो शिव तत्वों का प्रकाश होगा, ना ही मन का अंधकार मिटेगा। स्वामी, ये शिव तत्व क्या है और इसकी महिमा क्या है? नारद, तुम तो शिव और विष्णु दोनों के ही परम भक्त हो। सती की इस जिज्ञासा का निवारण तो तुम ही कर सकते हो। अवश्य करूंगा महादेव, किंतु इस समय मेरा मन गुरुद्रोह की व्यथा से व्याकुल है। गुरुद्रोह? ये कौन है देवर्षि? एक आदिवासी भूल, अभी अभी अपनी आंखों से उसकी व्यथा देखकर आ रहा हूँ। किंतु ये गुरुद्रोह है कौन और इसकी व्यथा क्या है, कृपा करके मुझे भी बताइए ना देवर्षि। हे महेश्वर, इससे पूर्व कि मैं देवी सती को उस भील के संदर्भ में कुछ बताऊं, कृपया कर आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ उस भील के साथ हो रहा है, ये सब कहीं आप ही की तो लीला नहीं? नारायण नारायण। परम ब्रह्म तत्व को जानने वाला ऐसा प्रश्न नहीं करता नारद। तुम सती की जिज्ञासा का निवारण करो। माता, गुरुद्रोह एक आदिवासी भील है जो अरण्यों में रहकर पशु पक्षियों का शिकार करके अपने कुटुंब का पेट भरता है। आज मैंने अरण्य में क्या देखा कि गुरुद्रोह एक हिरनी पर अपना लक्ष्य साधे उसके पीछे पीछे भाग रहा था। हिरनी की भागने की गति इतनी तीव्र थी कि बहुत प्रयास करने पर भी गुरुद्रोह का लक्ष्य हिरनी पर नहीं लग रहा था। देखते ही देखते हिरनी अदृश्य हो गई और गुरुद्रोह हताश और निराश हो गए। न जाने हिरनी किस दिशा में चली गई है, इस पेड़ पर जाकर देखता हूं। गुरुद्रोह जिस वृक्ष पर चढ़ा था वो वृक्ष बिल्व वृक्ष था, जिसके नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग बना हुआ था। गुरुद्रोह, तू इस निरीह प्राणी के प्राण क्यों हरना चाहता है? इसने तेरा आखिर क्या अनिष्ट किया है जो तू इसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है? मैं जानती
रही हूँ। आपका छोड़ा हुआ तीर लक्ष्य तक पहुंचकर खाली हाथ नहीं लौटता, किंतु आज मुझे देखने के पश्चात भी आपने तीर नहीं छोड़ा। आप किसी दुविधा में हैं और मेरी मृत्यु की घड़ी टल चुकी है। मैं आपकी आभारी हूँ। मेरे पति और बच्चे आपके सदा ऋणी रहेंगे, आपके सदा ऋणी रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, मुझे तुम्हारा वध करना ही है। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों का अनाथ मत करिए। तुम्हारे बच्चों की चिंता करके यदि तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। मेरे पति और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बस मुझे इतना समय दे दीजिए कि उसे एक बार मिलो और कह भी हूं कि यही हमारा अंतिम मिलन है। भगवान के लिए मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। और तुमने छल किया तो तुम न लौटी तो? मैं एक माँ हूँ, बच्चों की भूख का अर्थ समझती हूँ। मेरे छल के कारण आपके बच्चों का अनिष्ट हो, ये मुझे कभी सहन नहीं होगा। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, ये मेरा वचन रहा। प्राणों के भय के आगे वचन झूठे पड़ जाते हैं, और फिर भूखे के सामने पकवानों से भरी थाली या शिकारी के सामने शिकार हो और वो उसे छोड़ दे, ये कैसे संभव हो सकता है? समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम रो रही हो? नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है। दया? और मुझ पर? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे धर्म से विमुख कर रही हूँ। यदि घोड़ा घास पर दया करेगा तो खाएगा क्या? तुम शिकारी हो, यदि सामने आया शिकार छोड़ दोगे तो तुम्हारे परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम तुरंत चली जाओ यहाँ से, अन्यथा स्वभाववश हाथ में पकड़ा ये बाण चल जाएगा और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। उस दशा में तुम्हारे परिवार वाले, तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ। इस दया भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं भी करूंगी। घर में सबसे मिलने के उपरांत यही आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हार लेना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुझ पर भरोसा है या नहीं, मुझे तो अब स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा। तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम शीघ्र जाओ और जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारी यही प्रतीक्षा करूंगा। धन्यवाद शिकारी जी, धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये मेरे मन को क्या हो रहा है? दया, ममता, करुणा, मैंने तो इन भावों को पहले कभी नहीं जाना, कभी नहीं समझा। मुझे अपने आप को संभालना होगा। शिकार करना मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। चिंता मत करो, अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी और कुछ ही देर में पुनः यहाँ आती होगी, तब मैं उसका शिकार करूंगा, किंतु उससे पहले। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अच्छा, इतनी देर के लिए छोड़ दो कि मैं घर जाकर देखाऊं मेरी बहन पहुंच गई अथवा नहीं। मैं वचन देती हूँ, कुछ ही देर में मैं स्वयं तुम्हारा बाण खाकर
प्राण त्यागने के लिए तैयार होकर आऊंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी भी प्रतीक्षा में ही बैठा रहूंगा। लगता है वे दोनों नहीं आएंगी, मुझे मूर्ख बना के चली गई। अब प्रतीक्षा से कोई लाभ नहीं। नहीं, वो मुझसे कहकर गई थी कि तुम लोगों से मिलकर लौटेगी, किंतु लौट कर आई नहीं। लगता है अपने वचन से फिर गई है। मैंने सारा दिन उसकी प्रतीक्षा में गंवाया है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, मेरी पत्नी मेरे लिए चिंतित होगी। अब मैं तुम्हें ही अपना लक्ष्य बनाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना, किंतु इतनी विनती है, मुझे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे सामने बाढ़ खाने के लिए सहज खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, तुम भी जाओ, किंतु शीघ्र आना, बहुत विलंब हो गया है। अब और प्रतीक्षा नहीं की जाती मुझसे। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, वो दोनों हिरनियां और ये हिरन तीनों ही सच बोल रहे थे। तीनों ही अपने वचन के पक्के हैं, वे आएंगे और अवश्य आएंगे। माना वो तीनों ही वचन के पक्के हैं, किंतु तेरा मन, क्या तेरा मन भी उतना ही पक्का है कि तू उन तीनों पर अपने बाण चला सके? क्यों नहीं, क्या आज मैं बाण पहली बार चलाऊंगा? आज तक मैंने कितने ही बाण चलाए और कितने ही पशु पक्षियों को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते हुए देखा। शिकार करना मेरा कर्म है और उससे परिवार को पालना भी मेरा धर्म है। सत्य है, किंतु आज न जाने क्यों मेरे अंदर दया और करुणा के स्रोत फूट पड़े हैं। वाह, अगर दया और करुणा के स्रोत इस तरह फूटते रहे, फिर तो तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर चुके। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आज मैं किस विचित्र से धर्म संकट में फंस गया हूं। प्रत्यंचा खींचते हुए मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है?
बताइए प्रभु मैं क्या करूं। क्योंकि यदि एक और जीव की हत्या पाप है तो दूसरी ओर जीवों को भूखा रखकर उन्हें मृत्यु की ओर ढकेलना भी तो पाप ही है। मैं कौन सा पाप करूं या कोई भी पाप ना करूं तो क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन करिए भोलेनाथ, मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझ पापी का कल्याण कीजिए प्रभु। वो भील आंसू बहा बहा कर आपको पुकार रहा है, आपकी सहायता मांग रहा है, उसकी व्यथा का अंत कीजिए महादेव, उसका मार्गदर्शन कीजिए। देवी सती, तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है? अपने कर्म को विसार कर, अपने परिवारजनों को कष्ट में डालकर क्या वो भी ठीक कर रहा है? वो स्वयं कुछ नहीं कर रहा है स्वामी, उसके स्पर्श से अनजाने में जो बेलपत्र आपके लिंग पर गिरे हैं, इसी कारण उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। वो क्रूर से दयालु बन गया है, वो विवश कहीं का नहीं रहा। देवर्षि उचित कह रहे हैं प्रभु, अब आप ही उसका मार्गदर्शन करें और उसे धर्म की राह पर लगाएं। माता, प्रभु ने मेरी विनती सुन ली, मेरी प्रार्थना सार्थक हुई, अब उस भील का उद्धार अवश्य हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। मुझे सद्बुद्धि दो भगवान, मुझ पर दया करो, मेरा कल्याण करो प्रभु, मेरा कल्याण करो भोलेनाथ। हम अपने वचन के अनुसार यहाँ आ पहुंचे हैं। अब तुम अपना बाण उठाओ और अपने कर्म का पालन करो। ऐसे क्या देख रहे हो? बाण चढ़ाओ, चढ़ाओ बाण। विलंब मत करो, तुम्हारे बच्चे और पत्नी भूख से बिलख रहे होंगे। भूख से भी बढ़कर तुम्हारे घर ना लौटने के कारण आशंकित भी होंगे। तुम अपना काम समाप्त करो और जल्द ही घर लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मुझे अपने परिवार का भूखा मरना स्वीकार है, किंतु तुम निर्दोषों की हत्या करना नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। भोलेनाथ, भोलेनाथ। Ah.
उठो वत्स, गुरु ध्रुव उठो। आओ वत्स। प्रभु 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 प्रभु, मुझे धर्मी को आपने साक्षात दर्शन दिए, इस अत्यारे पापी पर इतनी कृपा क्यों? मैं इसके योग्य नहीं प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं। गुरु ध्रुव, हत्या करना पाप है, किंतु कर्म नहीं करना भी तो पाप है, और तुम्हारा तो कर्म ही ऐसा है जो तुम्हें न चाहते हुए भी पाप का भागी बना देता है। किंतु आज से तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो तुम्हें पाप और आत्मग्लानी के बोझ तले दबाता जा रहा है। प्रभु, किंतु इतनी कृपा मुझ जैसे दीनहीन व्यक्ति पर क्यों? क्यों प्रभु? आज महाशिवरात्रि है, आज के इस पावन दिन बिल्व पत्रों से मेरी पूजा करने के पुण्य के फल स्वरूप तुम्हारा यह कायाकल्प हुआ है, और तुम तीनों ने आज के इस पावन दिन अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिखाया। ये देवी रूप उसी का फल है। तुम्हें मृग योनि से अपनी स्वाभाविक दिव्य योनि प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। पिताजी, तुम सब इस रूप में? ये सब तुम्हारी भक्ति का प्रसाद है। आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने के फल स्वरूप तुम अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गए हो और श्रृंगवेरपुर के राजा बन गए हो। मैं और राजा? हाँ, अपने परिवार सहित वहां जाकर शिव आराधना को मन में उतार कर राज सुख का उपभोग करो। त्रेता युग में विष्णु के अवतार भगवान राम से तुम्हारी भेंट होगी और तुम उनके उत्तम मित्र के रूप में जाने जाओगे। जो आज्ञा भगवान शिव शंकर, जो आज्ञा। तुम तीनों दिव्य धाम के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा प्रभु। गुरु ध्रुव, महाशिवरात्रि के दिन तुमने शिव आराधना करके शिव भक्तों के अध्याय में अपना नाम अमर कर दिया है। जो भी शिव भक्त महाशिवरात्रि के दिन तुम्हारी ये कथा सुनेगा, उसे वो सारे पुण्य प्राप्त होंगे जो तुम्हें हुए हैं। कल्याण भव। शिव कृपा से इस प्रकार गुरु ध्रुव, उनकी पत्नी और दोनों बालकों ने श्रृंगवेरपुर राज्य की ओर प्रस्थान किया। ओम नमः शिवाय। श्रृंगवेरपुर नरेश महाराज गुरु ध्रुव की। 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 महाराज, श्रृंगवेरपुर की प्रजा आप जैसे शिव भक्त को अपने राजा के रूप में पाकर अति प्रसन्न है। महामंत्री जी, ये सब भगवान शिव की कृपा का फल है। हम चाहते हैं हमारी प्रजा निरंतर भगवान शिव की आराधना करके उनकी कृपा प्राप्त करती रहे, जिससे कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। अवश्य महाराज, सारी प्रजा में ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र की गूंज उठ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। महामंत्री का कथन अत्यंत सत्य है महाराज। महाशिवरात्रि की रात्रि को आपके मन में जो शिव भक्ति की ज्योति प्रकट हुई थी, उसी के प्रभाव से आपको यह शिव भक्त प्रजा और श्रृंगवेरपुर राज्य प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय। मुझे सब स्मरण है देवर्षि। मुझे ये भी स्मरण है कि उस रात आप ही ने मुझे बिल्व पत्र के पेड़ पर बैठे देखा था। और नारायण नारायण। और मैं वहां से सीधा शिव सती के शरण में कैलाश पहुंच गया था। राजन, आप अत्यंत भाग्यवान हैं। महाशिवरात्रि के दिन आपके हाथों हुई शिव भक्ति और पशुवत से विरक्ति के कारण शिव भक्ति में
और उसके इतिहास में आपका नाम अमर हो गया है। स्वयं शिवजी और माता सती आपकी शिव भक्ति की प्रशंसा करते हैं। ये सब आपकी कृपा है देवर्षि। मेरी नहीं राजन, भोलेनाथ की कृपा है। और जब भोलेनाथ की कृपा होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। राजन, मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। कौन सा रहस्य देवर्षि? युगो युगो तक आप श्रृंगेरपुर पर राज करेंगे। शिव भक्ति से प्राप्त सिद्धि के कारण आपकी आयु अपरिमित होगी। आप त्रेता युग में भी जीवित रहेंगे। क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं त्रेता युग में भी जीवित रहूंगा? हाँ राजन, भगवान विष्णु जब त्रेता युग में राम का अवतार लेंगे तब आप उनकी सहायता करेंगे और राम भक्त के रूप में आपका नाम अमर हो जाएगा। धन्य है देवर्षि, आप सचमुच धन्य है। आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। नारायण नारायण, मैं तो शिवजी का छोटा सा सेवक हूँ। उपकार तो आपको भोलेनाथ का ही मानना होगा राजन, क्योंकि उनकी इच्छा से ही आपको शिव भक्ति प्राप्त हुई है। और इस उपकार का ऋण चुकाने के लिए आपको अपने राज्य में स्थान स्थान पर शिव मंदिरों का निर्माण करना होगा, जिससे शिव भक्ति की गूंज संसार में गूंज उठे। ऐसा ही होगा देवर्षि, ऐसा ही होगा। हम राज्य के कोने कोने में शिवालयों का निर्माण करवाएंगे और हर शिव पर्व पर उत्सव मनाएंगे, और ये सब भोले शंकर की कृपा से होगा। ओम नमः शिवाय। राजन, जानते हो इसी ओम नमः शिवाय के प्रभाव से वो हिरण और हिरणी कहां पहुंच गए जिन्हें आपने प्राणदान दिया था? नहीं देवर्षि, बताइए वे कहां हैं? महाशिवरात्रि को अपना वचन निभाने और शिव भक्ति में सहयोग करने के कारण वे पशु योनि को त्याग कर सीधे स्वर्गलोक पहुंच गए हैं। स्वर्गलोक में? हाँ राजन, अब मैं स्वर्गलोक पहुंचकर उन्हें भी ओम नमः शिवाय की महिमा सुनाऊंगा। नारायण नारायण। भोलेनाथ की लीला अब्रम्बार है, बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी शची, आपका ये संग और इस स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हमारे हृदय को सदा प्रफुल्लित रखती है। स्वामी, आपकी वार्तालाप सुनकर मेरा मन तरंगित हो गया। प्रणाम देवराज। देवराज और देवी शची को हमारा भी प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन है आप लोग? हमें आपका परिचय नहीं है। शची, क्या तुम इन तीनों से परिचित हो? नहीं स्वामी, मैं तो इन्हें आज पहली बार देख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। देवऋषि नारद। देवऋषि। भगवान शिव आप सबका कल्याण करे। देवराज इंद्र, आप मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्ष को पहली बार देख रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन एक शिव भक्त को दिए वचन को निभाने के कारण इनका हिरण और हिरणी के जन्म से उद्धार हो गया। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है। हिरण हिरण हिरणी? देव ऋषि, हम तीनों पहले हिरण हिरणी थे। आप तीनों नारद की बात पर विश्वास कीजिए और भगवान शिव की भक्ति की ज्योति जलाए रखिए, जिसने आपका उद्धार किया है। नारायण नारायण। अवश्य देव ऋषि, हम शिव आराधना की धुनी रमाएंगे। देवराज, देवी सती, मेरी आपसे प्रार्थना है कि स्वर्ग के सुख में इतना न डूबिए कि आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान ही न रहे। देव ऋषि, हम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। देवराज, देव ऋषि। मरुदेव, आप अशांत और चिंतित क्यों हैं? आपको तो सब कुछ ज्ञात है देव ऋषि, भगवान शिव ने मेरी पुत्री सुयशा की आराधना का कोई उत्तर नहीं दिया, इसी हेतु चिंतित हूं। और अपनी इसी चिंता को व्यक्त करने हेतु देवराज के पास आया हूं। मारुदेव, भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्त की चिंता
तो स्वयं भगवान शिव ही मिटा सकते हैं। अवश्य मिटाएंगे। नारायण नारायण। और भगवान शिव की आराधना का फल तो उत्तम ही होता है, आप देख नहीं रहे मारुदेव? मृगेश, मृगावती और हिरण्याक्षी को आपकी पुत्री सुयशा की प्रार्थना भी भगवान शिव अवश्य सुनेंगे, शीघ्र ही सुनेंगे। नारायण नारायण। मेरी पुत्री सुयशा ने शिव के विशेष सेवक नंदी को मन ही मन अपना पति मान लिया है, परंतु नंदी शिव की सेवा में लीन होकर सब कुछ भूल गए हैं। आप मेरी पुत्री पर दया कीजिए देवऋषि, उसके वियोग का अंत कीजिए। यह काम तो भगवान शिव की कृपा से ही संभव होगा। हाँ, मैं आपकी विनती उन्हें सुना दूंगा। मारुदेव, कहाँ है देवी सुयशा? अलकापुरी के शिवालय में शिव की अखंड आराधना कर रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आपकी पुत्री की अखंड शिवाराधना कभी असफल नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी पुत्री का नाम नंदी की भांति शिव भक्तों में अमर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, देवर्षि। देवर्षि, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हाँ देवर्षि, आपने तो लंबे समय से हमारी सुधि ही नहीं ली। क्या हमसे कोई अपराध हो गया देवर्षि? नारायण नारायण। नंदी, तुमसे एक ऐसा अपराध हुआ है जो क्षमा के योग्य नहीं है। क्या कह रही है देवर्षि? नंदी तो शिवगणों में सर्वोत्तम है, शिव की सेवा इसके जीवन का व्रत है। नंदी से कोई अपराध हो यह असंभव है। माता सती, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, किंतु जो कुछ मैं देख कर आ रहा हूँ उसे असत्य कैसे कह सकता हूँ? हो सकता है नंदी को इस अपराध का ज्ञान ही न हो, परंतु माता। परंतु क्या देवर्षि? आप स्पष्ट क्यों नहीं बताते कि मैंने अपराध क्या किया है? भोलेनाथ, हे शिव शंकर, आंखें खोलिए और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। पहले आप ये बताएं कि मेरा अपराध क्या है। शिव 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 जी के सम्मुख मैं कौन होता हूं तुम्हें अपराधी बताने वाला? हे शिव शंकर, आंखें खोलकर अपने भक्त नंदी की व्यग्रता शांत कीजिए। देवऋषि नारद, जहां जहां आप जाते हैं व्यग्रता आपके साथ साथ चली आती है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं भी आप ही का सेवक हूँ, मुझ पर ऐसे आरोप न लगाइए।
मैं तो किसी की आराधना का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। आराधना का संदेश? तुम किसकी आराधना के संदेश की बात कर रहे हो नारद? भोलेनाथ, आपसे संसार की कौन सी बात छुपी है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपको ज्ञात है कि नंदी का अपराध भी उसी आराधना से जुड़ा हुआ है। नारायण नारायण। देवर्षि, अधिक आश्चर्य में न डालिए, हमें समझाइए कि बात क्या है। व्यग्र न हो सती, नंदी तो हमारा अंश है, उसके साथ तो अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो देवर्षि नारद की अपनी शैली है सबको चकित कर देने की। इनकी शैली कुछ भी हो, मैंने क्या अपराध किया ये तो बताइए प्रभु। भोलेनाथ, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ प्रभु, कुछ तो कहिए, हमारी व्यग्रता दूर कीजिए। देवी सती, शिवगणों की अध्यक्ष नंदी, कथा से तो तुम अपरिचित नहीं, परंतु नंदी संभवतः हमारी भक्ति में लीन होकर पिछली बातें भूल गए। इन्हें पति रूप में स्वीकार करने वाली मरुदेव की पुत्री देवी स्वेशा नंदी को पति रूप में पाने से वंचित होकर अलकापुरी शिवालय में मेरी आराधना कर रही है। यही नंदी का अपराध है, क्यों देवऋषि? हाँ देवाधिदेव, नंदी को इस कर्तव्य का स्मरण कराने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। देवी सती, उस घटना का स्मरण कीजिए जब हम शिलाद ऋषि की तपस्या की पुकार सुनकर उनके पास गए थे। तब जागिए शिलाद ऋषि, जागिए। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। उठिए शिलाद ऋषि, उठिए। भोलेनाथ, आपने स्वयं पधार कर मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। धन्य तो सचमुच आप हैं ही शिलाद ऋषि, अपने सुख दुख विसार कर ऐसी कठोर तपस्या करके अनन्य भक्त का परिचय दिया है। मांगिए, अपनी तपस्या का फल मांगिए। प्रभु, निसंकोच करिए शिलाद ऋषि, जो इच्छा हो मांगिए। प्रभु, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। प्रभु, भोलेनाथ, भोलेनाथ, मुझे ऐसा शिव भक्त पुत्र दीजिए जो अयोनिज और अमृत हो। अयोनिज और अमृत्य, अर्थात ऐसा पुत्र मांगते हो जो किसी माँ के पेट से जन्मा ना हो और जिसकी कभी मृत्यु भी ना हो। प्रभु, मुझे अनंत काल तक शिव जी की भक्ति करने वाला पुत्र दीजिए। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप हमने कह दिया कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथास्तु। जय भोलेनाथ। आई आपकी कुटिया में, आपका अजन्मा अमर बालक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु, आइए। आश्चर्य, आश्चर्य, वर्षों पर्यंत तपस्या करने के पश्चात कुटी वैसी की वैसी। गौ माता मुझे क्षमा करें। देवेश्वर,
आपने इस तुच्छ मानव पर बड़ी कृपा की है प्रभु। नहीं शिलाद, भक्त कभी तुच्छ नहीं होता, वो तो सदा अपने आराध्य देव की कृपा से संपन्न रहता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं शिला देशी, भीतर मेरा ही अंश रुद्र अवतार नंदी आजन्मा आपका पुत्र है। भोलेनाथ मेरा बेटा, भोलेनाथ मेरा बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 मेरा पुत्र। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ। तुझे पाल पोस कर शिव की सेवा में देने के लिए ही तो मैंने कड़ी तपस्या की है बेटा। शिलाद ऋषि, ये वही अमर नंदी है जो आगे चलकर शिवगणों को अनुशासित करने वाला गणाध्यक्ष नंदी कहलाएगा। भोलेनाथ, आपने जो मुझ पर कृपा की है उसका आभार मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता प्रभु, आप धन्य हैं। भोलेनाथ, आपकी लीला अपरंपार है। कल्याण भव। जय भोलेनाथ। बेटा, बेटा, मेरा बेटा। जय शिव शंभु, 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 जय शिव शंभु। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। बाबा। हाँ बेटा। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बेटा। मैं शिव को नमस्कार करता हूँ परंतु शिव मेरे नमस्कार का उत्तर नहीं देते, ऐसा क्यों है बाबा? बेटा, शिव जी तो सबका नमस्कार मौन रहकर ही स्वीकार करते हैं और उनके कल्याण की कामना करते हैं बेटा। मुझे शिव जी को देखना है बाबा, मैं उनसे बात करने का इच्छुक हूँ। बेटा, शिव जी जब ऐसा समझेंगे कि तुमसे मिलना आवश्यक है तो स्वयं आकर तुमसे मिलेंगे बेटा। ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, मुझे शीघ्र मिलो। जय शिव शंकर। मैं भी देखता हूँ कैसे शिव जी प्रसन्न नहीं होते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बेटा नंदी, बेटा नंदी, पिछले कई दिनों से तूने कुछ भी नहीं खाया है, अब तो खा ले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा नंदी, थोड़े से फल खा ले बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बेटा, शिव जी की कृपा तो तुझ पर निरंतर बरस रही है, फिर तू क्यों हाथ ठाने बैठा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे करुणा सागर, अब तो आप ही इसे समझाइए, ओम नमः शिवाय, मेरी तो सुनता ही नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। समस्त जगत की घटना चक्र से अनभिज्ञ
करुणा सागर भोलेनाथ के अंश नंदी का जीवन एक नए मोड़ और एक नवीन स्पंदन व अनुभूति के मार्ग से होकर मरुत देव की पुत्री सुयशा से जुड़ जाएगा। इसका ज्ञान स्वयं नंदी को भी नहीं था, कदापि नहीं था। वो देखो, हाँ राजकुमारी सुयशा, तुम विहार करने निकली हो या किसी का शोक मनाने? यदि ऐसा ही था तो विहार के लिए हमें क्यों बुलाया? क्या ये कान बंद किए बैठी है? मारु देवता की पुत्री है, आकाश में कहीं भी विमान ले जा सकती है। क्या सुयशा ये नहीं जानती? तुम हमें हमारे घर पहुंचा दो, हमें तुम्हारे साथ विहार करके अपना समय नष्ट नहीं करना है। क्षमा करना सहेलियों, मैं अपनी ही चिंता में खोई थी। मुझे रह रहे के उन ऋषि महाराज की भविष्यवाणी स्मरण हो रही थी। कौन सी बात, तुमने हमें तो कभी नहीं बताई। हमें तो बस इतना ज्ञात है कि तुमने बड़े बड़े सुंदर और बलवान राजकुमारों से विवाह के प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। मुझे उन राजकुमारों से क्या लेना देना, मुझे तो बस उस शिव भक्त की इच्छा है जिनके विषय में उन ऋषि महाराज ने भविष्यवाणी की है। शिव भक्त? कौन है वो शिव भक्त? ऋषि ने कहा था जिसकी ओम नमः शिवाय मंत्र जाप की ध्वनि तुम्हारे मन प्राणों को मोह लेगी वही तुम्हारा पति होगा। और तब से आज पर्यंत मैं उस ध्वनि को सुनने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। सुन रही हो ध्वनि? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की ध्वनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ही है। ओम नमः शिवाय, ये ध्वनि तो पृथ्वी से आ रही है। ओम नमः सुयशा, विमान पृथ्वी पर उतारो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुयशा, ये शिव भक्त तो आंखें बंद के तप कर रहे हैं, ये तुम्हें कैसे देखेंगे? मैंने इन्हें देख लिया है, मेरा जीवन सफल हो गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव भक्त महाराज, नमः शिवाय, आंखें खोलिए। नमः शिवाय, मेरी सखी, नमः शिवाय, आपसे कुछ कहने की अभिलाषा लेकर आई है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आप लोग कौन हैं? आपको भगवान शिव शंकर ने भेजा है? इस दासी को स्वीकार कीजिए शिव भक्त। शिव भक्त महाराज, ये मरुत देवता की सुपुत्री सुयशा हैं। एक ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार इनकी जीवन डोर आपसे बंधने वाली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाराज तो फिर हो गए। तुम भी तो कुछ बोलो सुयशा, फिर से जगाओ इन्हें। मैंने तो अपनी बात कह दी, इन्होंने अनसुनी कर दी, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप लोग हमारी तपस्या में विघ्न न डालिए, हम आपसे विनती करते हैं। परंतु आपको हमारी सखी सुयशा की बात का उत्तर तो देना ही होगा। ओम नमः शिवाय। शिव के दर्शन के लिए बचपन से हम तरस रहे हैं, परंतु अभी तक हमारी पुकार नहीं सुनी। जब तक वो यहाँ दर्शन नहीं देंगे, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा भी निश्चय है, नमः शिवाय। जब तक मुझे ये पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते, मैं अनजल ग्रहण नहीं करूंगी। मैं भी देखती हूँ भगवान शिव मेरी विनती कब तक नहीं सुनेंगे। मैं स्वर्गलोक जाके भगवान शिव की आराधना करूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, आज भी अलकापुरी में सुयशा आपकी आराधना कर रही है। उसके पिता मरुदेव उसकी चिंता में अत्यंत दुखी है। देवर्षि, क्या ये सत्य है? माता, इससे पूर्व भी मैं आपसे कह चुका हूँ, जो मैं आंखों से देख कर आता हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। प्रभु, आप इतने दिन मौन क्यों रहे? विवश सुयशा की दशा पर आपको दया नहीं आई? प्रभु, हम तो नंदी को देखकर मौन थे। देवी, यदि स्वयं नंदी के मन में विवाह की कामना नहीं जागती, हम सुयशा की कामना कैसे पूर्ण कर सकते हैं? नारायण नारायण। नंदी, सत्य बताना, क्या तुम्हें सुयशा की तनिक भी सुध नहीं रही? क्या तुमने सुयशा को बिसार दिया है? बोलो। नंदी, कहां चले? मेरे प्रश्न का उत्तर तो देते जाओ। नंदी, यहां आओ। प्रथम तुम देवश्री के प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुमने देवी सुयशा को सचमुच बिसार दिया है? बोलो नंदी। नंदी, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या तुम अपनी माता से अपने मन की बात छिपाओगे? नहीं माता, मैं अर्ध सत्य नहीं कहूंगा। मैंने सुयशा को बिसारा नहीं था, परंतु कैलाश में भगवान शिव और माता सती की सेवा में मैं प्रसन्न हूँ, तो फिर मुझे किसी और की आवश्यकता क्या हो सकती है? नारायण नारायण। देखा महादेव, आपके समान आपका ये गणाध्यक्ष नंदी भी विवश सुयशा की उपेक्षा करता रहा। प्रभु, अब आप नंदी को आज्ञा दीजिए कि वो सुयशा को पत्नी रूप में स्वीकार करे। प्रभु, सुयशा पर कृपा कीजिए, दया कीजिए उस पर। नंदी, हम सबकी इच्छा है कि सुयशा तुम्हारी धर्म पत्नी बनकर कैलाश आए और तुम्हारे कार्य में तुम्हें सहयोग दे। नंदी, अब तो देवी सुयशा को धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जब देवाधिदेव महादेव ने आज्ञा दे ही दी है, तो फिर संकोच कैसा? आपकी आज्ञा का मैं अनुचर हूं भगवान, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धन्य हो नंदी, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। माता सती, देवी सुयशा को अलकापुरी से कैलाश लाकर उसे नंदी की धर्म पत्नी बनाने का शुभ कार्य आप ही करेंगे, क्यों महादेव? अवश्य नारद, ये कार्य तो वर की माता ही कर सकती है, हम नहीं। देवर्षि, अब आप हमें सुयशा के पास लेकर चलिए। जब आप उनका संदेश लेकर आए हैं, तो नंदी सुयशा का शुभ विवाह कराने में भी हमें सहयोग दीजिए। जो आपकी आज्ञा माता। माता, ऐसे कार्य हेतु मैं सदा ही तत्पर रहता हूँ। शिव गणाध्यक्ष नंदी, आप यही रहेंगे, सुयशा को देखने की आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। माता, पधारिए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सर्वशक्तिमान सदाशिव जी,
नमः शिवाय। मेरी पुत्री सुयशा की आराधना स्वीकार कीजिए, उस पर कृपा कीजिए देव कृपा। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो सुयशा। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो देवी सुयशा। ओम नमः शिवाय। पुत्री सुयशा नमः शिवाय। आंखें खोलो बेटी। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो। देवी सुयशा, यह भगवान शिवशंकर की जीवन संगीनी है और नंदी की माता देवी सती ये स्वयं तुम्हें लेने आई है। माता, तुम्हारी तपस्या सफल हुई पुत्री। जब कोई सच्चे मन से प्रण करता है तो वह अवश्य पूर्ण होता है। देवादिदेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। नंदी ने तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाना माननीय कर लिया है। माता, माता। पुत्री, तुम्हें मेरे साथ चलना है। माता सती, आप सचमुच धन्य हैं। देव ऋषि नारद, यदि आपने मेरी पुत्री सुयशा की इच्छा शिव जी को ज्ञात न कराई होती तो न जाने कब इसकी तपस्या सफल होती। नारायण नारायण, मरुद देवता ऐसा न कहिए। भगवान शिव शंकर तो घट घट वासी हैं, उन्हें सबके मन की इच्छा ज्ञात है, परंतु हर कार्य अपना समय आने पर ही पूर्ण होता है। देवी सुयशा की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। इस तपस्या के प्रभाव से देवी सुयशा नंदी के साथ कैलाश पर निवास करेगी। हाँ सुयशा, मरुदेव, नंदी सुयशा के शुभ विवाह में आपकी उपस्थिति आवश्यक है, पधारिए। जो आज्ञा माता श्री। मरुदेव, अब कैलाश और स्वर्ग का शुभ संगम होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेन्दुनिम्बानना तन्वंगी शुभहासिनी सुरसिका क्रीडा कला संरतिहि। भगवान भोलेनाथ की जय। शिव गणाध्यक्ष नंदी की जय। देवी सुयशा की जय। माता सती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। शिव गणाध्यक्ष नंदी की जय। देवी सुयशा की जय। माता सती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। संसार के लिए आदर्श सेवाभावी पति पत्नी का कर्तव्य निभाओगे तुम, तुम्हारा कल्याण हो। अखंड सौभाग्यवती भाव। पुत्री सुयशा, सदा अपने पति की आज्ञा का अनुगमन करना, शिव सेवा से कभी मुंह न मोड़ना। जो आज्ञा माता। पुत्र नंदी, तुम्हारा और सुयशा का यश युगों युगों तक अमर रहेगा। हम दोनों का प्रणाम स्वीकार करें देवर्षि। हे नंदी, विश्व में जहां जहां शिवालयों की स्थापना होगी वहां शिवलिंग के साथ साथ तुम्हारी भी स्थापना होगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। प्रिय लक्ष्मी, ये आज तुम्हें शिव भक्ति का विचार कैसे आया? महाप्रभु, आपको ध्यान मग्न देख मैं संसार भ्रमण के लिए चली गई। संपूर्ण जगत में जहां भी देखो शिव की महिमा ही छाई हुई है। शिव की पूजा, शिव का नाम स्मरण, शिव के मंत्रों का जाप। सोचा मैं ही इससे विलक क्यों रहूं, मैं भी ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का आनंद ले लूं। उत्तम, अति उत्तम। सुख और शांति प्राप्त करने के लिए शिव भक्ति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं। इस नाम में सृष्टि की धड़कन है और सृष्टि धड़कन को लयबद्ध करने वाले भी स्वयं सदा शिव ही हैं। शिव सर्वत्र है, शिव सर्वज्ञ है और शिव भक्तों का सर्वस्व भी है। ये आप कह रहे हैं प्रभु? आप जो जगदीश्वर है, विश्व के पालन करता है। मैं जगदीश्वर और सृष्टि का पालन करता अवश्य हूँ, किंतु सदाशिव के इच्छा अनुसार ही मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। मैं और ब्रह्मा दोनों ही उनकी कामना के फल हैं। ये शाश्वत सत्य है कि सदाशिव ही सृष्टि के सृजक, पालक और संहारक हैं। जिस प्रकार शिव की इच्छा से ही समुद्र मंथन हुआ, तुम्हारी उत्पत्ति हुई और तुम मुझे पति रूप में प्राप्त कर सकी। जन जन को धन वैभव की प्राप्ति तुम्हारे ही कृपा से होगी। उसी प्रकार कोई भी भक्त मेरी आराधना करते हुए शिव की स्तुति नहीं करेगा, उसे मेरी कृपा और प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं होगा। आपके मुख कमल से शिव महिमा सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। मैं सदा पत्नी धर्म का पालन करूंगी, आपका नाम स्मरण करूंगी, जैसे आपके परम भक्त नारद करते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम परमपिता, आपने मेरा स्मरण किया। हाँ, इस हेतु कि मेरा है मानस पुत्र आदेशित कार्यों को नाम एवं प्रकार से भी बढ़कर त्वरित गति से करता है। तुम देवलोक के दूर संचार। नारायण नारायण, सब नारायण की कृपा है। मेरी प्रशंसा तो हो चुकी, अब कार्यादेश भी दे दें तो उचित होगा। हे नारायण, तुम उस क्षण के स्वयं साक्षी हो जब समुद्र मंथन से विष निकला, हाहाकार मच गया था। विष के प्रभाव से सारी सृष्टि को बचाने के लिए करुणा सागर शिव हलाल पान करके नीलकंठ कह आए। भगवान शिव तो भक्त वत्सल है, उन्होंने अपने भक्तों को ही नहीं, जन जन को, सभी जीवित प्राणियों को विष के कुप्रभाव से बचाने के लिए हलाहल पान किया था। यदि वे हलाहल पान न करते तो आज सृष्टि का अस्तित्व ही न होता। परमपिता, ये तो सत्य है, किंतु सदाशिव के हलाहल पान के पूर्व ही पर्याप्त विष वातावरण में घुल मिल गया था। प्रदूषण के चिन्ह यहाँ वहां वातावरण में दृष्टि को जल्दी हो रही है। प्रकृति और जीवों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रदूषण को मिटाना अति आवश्यक है। यही सोचकर मैंने एक महान यज्ञ का आयोजन निश्चित किया है। परमपिता, ये यज्ञ कहाँ संपन्न होगा? ये यज्ञ प्रयाग की पवित्र भूमि पर होगा। इसमें भाग लेने के लिए सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित करने की मेरी अभिलाषा है, और आमंत्रण देने का महत्वपूर्ण कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूं। हे परमपिता, इतने महत्वपूर्ण कार्य का इस अकिंचन नारद को सौंपना, ये दर्शाता है कि आपके मन में मेरे प्रति कितनी कृपा और स्नेह है। आपके इस स्नेह और कृपा का मैं सदा के लिए आभारी हूं। इसका आभार की कोई आवश्यकता नहीं है यार, ये महत्वपूर्ण कार्य हमने तुम्हें इसलिए सौंपा है क्योंकि श्री हरि कृष्ण के परम भक्त होने के नाते तुम सबके प्रिय हो। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इतने वाक पटु एवं चतुर हो कि कठिन से कठिन कार्य भी सहजता से पूर्ण कर लेते हो। सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है। परमपिता, अब मुझे आज्ञा दें। नारायण।
नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः देवी सती, आज तुमने यहाँ आने में शिवगणों का नेतृत्व नहीं किया। स्वामी, आपके चिंतन में ऐसा खोई थी कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। मैं क्षमा चाहती हूँ। जब हमारी चिंतन कर रही थी तो उसमें क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं। हे प्रभु शिवशंकर, आज आपसे पूछने की कुछ मन में जिज्ञासा जागी। जिज्ञासा का समाधान अवश्य होगा। पूछो, क्या पूछने के इच्छुक हो? अभी अभी माता सती ने कहा कि वो आपका चिंतन कर रही थी। आप तो सदा समाधि में लीन रहते हैं, क्या आप भी उसी का ध्यान कर रहे थे जिसका चिंतन माता कर रही थी? नंदी के इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दो सती। संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर तो आपके पास है प्रभु, मैं तो केवल आपका चिंतन कर रही थी। आप किसके ध्यान में खोए रहते हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं। तो नंदी को यह बता दो कि तुम मेरा चिंतन कैसे कर रही थी, किस प्रकार से तुम अपने मन में मुझे निहार रही थी। स्वामी, आपने मुझे बताया था कि शिव और शक्ति अभिन्न हैं और मैं स्वयं शक्ति का अवतार हूँ, परंतु। परंतु क्या देवी, क्या तुम्हें मेरे कथन पर संदेह है? आपकी बातों पर संदेह कैसा, मेरे मन में भी वही प्रश्न जागा था जो नंदी के मन में जागा है। प्रभु, जब मैं स्वयं आपके पास हूँ तो आप आंखें बंद करके किसका ध्यान करते रहते हैं? हाँ भोलेनाथ, माता वही पूछ रही है जो मैं पूछने का इच्छुक हूँ। नंदी, सती, जब हमारी आंखें बंद होती हैं, तब हमारे सम्मुख होती है सदाशिव की ज्योति। वो ज्योति जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है, यही ज्योति शिव ज्योति के नाम से भी जानी जाती है तथा ब्रह्म ज्योति के नाम से भी प्रसिद्ध है। परमात्मा की उसी उज्जवल ज्योति का ध्यान योगी जन करते हैं। नारायण नारायण। हे महेश्वर, माता सती, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आओ नारद, अधिक समय के पश्चात दर्शन दिए। हे महेश्वर, क्षमा कीजिए, आपकी इच्छा के बिना मैं आपके दर्शन के लिए कैसे आ सकता हूँ? आज आपने मेरा स्मरण किया और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। देवर्षि, आज प्रभु ने आपका स्मरण किया। देवी सती, नारद की शब्द शैली से भ्रमित होकर सुनने वाला सोचता ही रह जाता है। महेश्वर, ये आप मेरी निंदा कर रहे हैं या प्रशंसा, मैं समझ नहीं पाए। हम तो सदा तुम्हारी प्रशंसा ही करते हैं नारद। अब बताओ, यहाँ किस विशेष उद्देश्य से पधारे हो? महेश्वर, इस समय तो मैं परम पिता ब्रह्मा जी का दूत बनकर आया हूँ। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव के दूत? हाँ माता, परम पिता ब्रह्मा जी ने यह निश्चय किया है कि समुद्र मंथन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए। अति उत्तम विचार है ब्रह्मदेव का। कहाँ होने जा रहा है ये महान यज्ञ? प्रयाग की धर्म भूमि पर परम पिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु आपको सादर निमंत्रण भेजा है। हम अवश्य उस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आपकी स्वीकृति से मैं धन्य हुआ, अब मुझे आज्ञा दें। देवर्षि, आप इतना शीघ्र जाने की क्यों सोच रहे हैं? जब नारद का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वो एक पल भी कहीं नहीं रुकते। शिव 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 शिव, ऐसी बात नहीं है प्रभु। यदि आपकी इच्छा हो
तो मैं आपके चरणों में बैठा रहूंगा। परंतु अभी परंतु कैसा? परंतु इस समय मुझे कई महानुभवों को प्रयाग यज्ञ का निमंत्रण देने के लिए जाना है। परम पिता ब्रह्मा जी की ये आज्ञा है कि ये कार्य मैं शीघ्र अति शीघ्र संपन्न करूं। तो इस शुभ कार्य से हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। नारायण नारायण नारायण। यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछो। क्या अभी कोई प्रश्न शेष रह गया है? स्वामी, क्या प्रयाग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? एक ओर महायज्ञ, दूसरी ओर पुण्य स्थली का तरस परस, दो पुण्य के कार्य एक ही साथ हो जाएंगे स्वामी। नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। परम पिता ब्रह्मदेव ने इस यज्ञ के लिए भोलेनाथ के साथ मुझे निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि इस महान यज्ञ में सम्मिलित हो सकूं? ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा, ओम पराय परम तत्वाय स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा, ओम पराय परमात्मने स्वाहा। श्री शंकर, यहां बैठे समस्त सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं इस पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग्य ही नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से सेवित होकर तुम्हारे वेदोक्त कर्म लुप्त हो चुके हैं। अब तुम मात्र शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी, दुष्ट और पापाचारी पुरुष मात्र रह गए हो। मैं दक्ष प्रजापति ये श्राप देता हूँ कि शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और जन से इन शिव शंकर को इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए और देवताओं के साथ इसे यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धि दक्ष, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया, जिनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो पालन करता है और एक दिन संघार करता भी होंगे। हे शिवगणों, तुम सबके सब इस यज्ञ से बहिष्कृत हो जाओ। तुम सबके सब नीच और पाखंडी हो, सिर पर जटा, शरीर पर भस्म और हड्डियों के आभूषण पहने बस तुम मद्यपान में आसक्त रहो। ये मेरा श्राप है, श्राप है। ओ मूर्ख दक्ष, तुझे शिव तत्व का तनिक भी ज्ञान नहीं। तुझ जैसे अहंकारियों ने ही महेश्वर का उपहास किया है, इसीलिए शिव तेज के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, तू तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए और तेरा मुख पशु समान हो जाए। नंदी, तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को श्राप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई श्राप छू भी नहीं सकता। तुम तो ज्ञानी हो नंदी, सनकादिक ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश भी तो तुम ही ने दिया था। अतः अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी, तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं। यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो हम कैलाश लौट चलें।
दक्ष, यज्ञ पूर्ण करो। इतना सब कुछ हो जाने के उपरांत इस यज्ञ का अर्थ क्या रह गया पिताश्री? मेरा चित यहां से हट चुका है। दक्ष, पुत्र दक्ष, तनिक सुनो। चराचर जगतपति शिव शंकर का अपमान करके पुत्र दक्ष ने उचित नहीं किया। अकारण क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होता। क्या हुआ नाथ, क्या बात है? आप तो यज्ञ में गए थे, यज्ञ के अनुष्ठानों के उपरांत तो चित्त शांत हो जाता है, और आप, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी? कहे तो राजवैद्य जी को। मुझे कुछ नहीं हुआ, दक्ष प्रजापति को कुछ नहीं हो सकता। सर्वनाश के दिन तो आ गए उस अहंकारी भूतनाथ के, जिसने आज भरी सभा में मेरा अपमान किया है। आप जामाता जी की बात कर रहे हैं? क्या किया है उन्होंने जो आप क्रोध में बिफरे जा रहे हैं? क्या नहीं किया उसने? भूत प्रेत निशाचरों के साथ शमशान में रहने वाले उस ओगर शिव का दुस्साहस तो देखो। बड़े बड़े देवताओं और ऋषि मुनियों ने जिस दक्ष का अभिवादन किया हो उसी की उपेक्षा कर डाली उसने। गणमान्य विद्वान या महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में न सही, ससुर के रूप में तो मुझे नमन कर ही सकता था। हो सकता है उनका पूरा ध्यान उस समय यज्ञ की ओर लगा हो। तुम उस नीच का साथ दे रही हो महारानी, जिसके टेढ़े तिरछे मुख वाले गणों ने मेरा जी भर के अपमान किया है, मेरे ब्राह्मणत्व को ललकारा है, श्राप दिया है मुझे। अवश्य आपने भी कुछ कहा होगा, तभी तो। एक तो तुम हो जो उस चटा चूटधारी नंग धड़ंग जामाता पर अपने हृदय का पूरा प्रेम उड़ेल रही हो, और दूसरे हैं मेरे पिता, जिनके दबाव में आकर मुझे अपनी सती का विवाह उस दुष्ट के साथ करना पड़ा। मेरा वश चले तो। बस कीजिए स्वामी, बस कीजिए। आपका ये शिव क्रोध मुझे किसी अनिष्ट की चेतावनी दे रहा है। भगवान के लिए मुख से एक भी अपशब्द मत निकालिएगा। मुख से कहने से क्या लाभ, अब तो अपमान का बदला अपमान से ही लिया जाएगा। महारानी, मैं शीघ्र एक महान यज्ञ का आयोजन करूंगा, जिसमें मैं तुम्हारे लाडले जामाता को कदापि कदापि आमंत्रित नहीं करूंगा। ये आप क्या? इतना ही नहीं, उसका यज्ञ भाग भी उसे नहीं मिलेगा, कदापि नहीं मिलेगा। प्रतिशोध लूंगा मैं, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। शिव शंकर से प्रतिशोध लेने के लिए निश्चय कर चुके हठधर्मी और क्रोधी पुत्र दक्ष से पिता ब्रह्मदेव ने प्रयाग यज्ञ तो किसी प्रकार संपूर्ण करवा लिया, किंतु उसके अनिष्टकारी निश्चय से आशंकित एवं अशांत ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक का अपना कमलासन त्याग कर एकांत में चिंतन के लिए चले गए। नारायण नारायण, परमपिता ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा कहाँ है आप? आज आपका ये कमलासन रिक्त क्यों है? कृपया पधारिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। क्या बात है, तुम इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? आश्चर्य तो इसी बात का है कि आप व्यग्र नहीं हैं। आपके द्वारा आयोजित प्रयाग यज्ञ में इतना बड़ा अपमान और शापकांड हुआ और आप शांत हैं? और परमपिता, आप मुझे ये बताएं कि आप अपना आसन छोड़कर कहां चले गए थे? किसी अनिष्ट की आशंका से बचने के लिए एकांत में चिंतन कर रहा था नारद। परमपिता, आपका ये कमलासन चिंतन का ही तो केंद्र है, चिंतन के लिए यहां से अदृश्य होने का प्रयोजन? ये तो मैं तुम्हारी पुकार पर चला आया, अन्यथा मुझे यहां से कुछ समय के लिए अदृश्य रहना था। परमपिता, इसका कारण? पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो कि तुम स्वयं प्रयाग यज्ञ के संदेशवाहक होकर भी प्रयाग यज्ञ में उपस्थित क्यों नहीं हुए? नारायण नारायण, परमपिता आप मेरी व्यवस्था समझ सकते हैं। श्री हरि विष्णु ने जब यह आशंका व्यक्त की कि उस यज्ञ में कुछ अनिष्ट होने जा रहा है, तो उनकी आज्ञा अनुसार मैं वहां उपस्थित नहीं हुआ। परमपिता, अब आप ही बताएं,
कि भगवान शिवशंकर का अपमान मैं कैसे देख सकता था? आप समझा। परमपिता, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? आपने भ्राता दक्ष को भगवान शिवशंकर का अपमान करने से रोका क्यों नहीं? इस हेतु कि वो भभूतधारी ओगड़ नाथ अपमान और शाप के योग्य ही है। नारायण नारायण, ऐसा अशुभ बोलकर अपने सर्वनाश को आमंत्रण न दो भ्राता दक्ष। सर्वनाश है? सर्वनाश तो उसी का होगा जो सर्वनाश के योग्य है। हम दक्ष प्रजापति हैं, सारी प्रजा के पालन करता। हमारा अपमान करने वाले को अपमान का दंड भुगतना ही होगा। नारद दक्ष, क्रोध के आवेश में आकर तुमने यज्ञ भूमि में जो अनर्थ का डाला उसका तुम्हें तनिक भी दुख नहीं है? अब क्या क्या करने आए हो? परमपिता, हम यहाँ आए दक्ष यज्ञ के निमंत्रण हेतु। दक्ष यज्ञ? कैसा दक्ष यज्ञ? परमपिता, आपने अपना वो यज्ञ हमसे बलपूर्वक पूर्ण करवाया, उससे हम संतुष्ट नहीं है। इस कारण हमने निश्चय किया है कि दक्ष भूमि कंखल में एक महान यज्ञ का आयोजन किया जाए। नारायण नारायण, इस यज्ञ का प्रयोजन? नारद, ये आवश्यक तो नहीं कि हम तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दें, परंतु यदि आयोजन का कारण जानना ही है तो सुनो। दक्ष यज्ञ का आयोजन करके हम शिव को सदा सदा के लिए सभी यज्ञों से बहिष्कृत कर देंगे। हम इस यज्ञ के द्वारा शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। दक्ष, शिव तो साक्षात परम ब्रह्म है, तुम उन्हें क्या बहिष्कृत करोगे? ऐसा अनुचित विचार भी अपने मन से निकाल दो। हमारा ये विचार ही नहीं, अटल निश्चय है परमपिता। हम अभी अभी श्री हरि विष्णु को निमंत्रण देकर आ रहे हैं और हमने उन्हें ये शपथ दिलाई है कि उन्हें हमारे इस यज्ञ में सम्मिलित होना ही होगा, जिसमें कैलाशपति शिव का कोई स्थान नहीं होगा। परमपिता, नारायण नारायण, भगवान शिव महेश्वर होने के साथ साथ आपके जमाता है और आपकी पुत्री सती के पति भी, उन्हें आप यज्ञ से बहिष्कृत कैसे कर सकते हैं? तुम चुप रहो नारद। हमने शिव को इस यज्ञ से ही नहीं अपने जीवन से भी बहिष्कृत कर दिया है। पिताश्री, आप समय से पूर्व यज्ञ में पहुंचकर पूरी व्यवस्था का संचालन कीजिए, हम यही कहने आए हैं। प्रणाम पिताश्री। नारायण नारायण, इतना क्रोध इतना अभिमान, अवश्य दक्ष प्रजापति के सर पर दुर्भाग्य मंडरा रहा है। शिव के प्रति तीव्र रोष उन्हें कहीं का नहीं रखेगा। परमपिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस यज्ञ में आप सम्मिलित ना हो। हम अपने ही पुत्र के यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो, यह कैसे हो सकता है? नारद, हमें जाना ही होगा। परमपिता, आपने एक बार तो भगवान शिवशंकर का अपमान देख लिया, क्या दूसरी बार आप वही देखने के इच्छुक हैं? उचित यही होगा कि आप उस यज्ञ का बहिष्कार करें। दूर हमें न डालो नारद, हमें अपने कर्तव्य का पालन करने दो। हमें तो बस इतना ज्ञात है कि हर काल शिव की इच्छा अनुसार ही होता है। पता नहीं इस बार शिव की इच्छा क्या है। दक्ष के मन में जो इतना भयंकर क्रोध भड़क रहा है, वो बता रहा है कि सदाशिव इस यज्ञ के माध्यम से कोई विशेष कार्य संपन्न कराने के इच्छुक है। वो कार्य क्या है ये हमें भी जानते हैं। नारायण नारायण, परमपिता, यदि आपको ज्ञात नहीं है तो कैलाश जाकर स्वयं भगवान शिवशंकर से पूछ लीजिए। नहीं नारद, दक्ष के पिता होने के नाते हम भी उत्तरदायी हैं। भगवान शिव के पास जाने का ये उचित अवसर नहीं है। हमें स्वयं श्री हरि विष्णु के पास जाकर इस विषय में परामर्श करना होगा। जैसी आपकी इच्छा, परंतु मैं इस अनर्थकारी यज्ञ को रोकने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव ने प्रयाग यज्ञ में दक्ष को श्राप न देकर अपने पराग पर ब्रह्म होने का परिचय दिया है, परंतु उस अज्ञानी दक्ष को यह ज्ञात नहीं कि शिव का सम्मान संपूर्ण त्रिलोकी का सम्मान है और शिव का अपमान संपूर्ण ब्रह्मांड का अपमान है। दक्ष को तो मुझे अपना पुत्र कहने में भी लज्जा आती है, लज्जा। चतुरानंद, जिसे लाज आनी थी वो तो सर उठाकर घूम रहा है,
दक्ष मेरे पास आमंत्रण लेकर आया था। उसने स्वयं एक और महायज्ञ का आयोजन किया है। आप वहां जाएंगे नाथ? अभी कोई निर्णय नहीं किया। हे नारायण, मेरे विचार से तो हम दोनों को वहां पहुंचना आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि यज्ञ की आड़ में दक्ष शिव विरोधी कोई नाटक खेले जा रहा हो। प्रभु, ब्रह्मा जी की बात में औचित्य है, मैं भी उनकी बात का समर्थन करती हूँ। उचित है देवी, हम दक्ष यज्ञ में कनखल अवश्य जाएंगे। क्या कह रहे हैं आप? यज्ञ के लिए सबको आमंत्रण भेजा जा चुका है? हाँ महारानी वीरणी, कैलाशपति भगवान शिव, सती और शिव भक्त ऋषियों को छोड़कर शेष सबको यज्ञ में पधारने की सूचना दे दी है। अर्थात महाराज अपनी हट पर अड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने इसके दुष्परिणामों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। कहाँ है महाराज? जी वो भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा को निमंत्रण देने स्वयं गए हैं। तो फिर शिव सती को बुलाने मैं कैलाश जाऊंगी। मैं ये अन्याय कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। ये हम क्या सुन रहे हैं महारानी? तुम हमारी इच्छा के विरुद्ध कैलाश जाओगी? हमारी पुत्री सती और जामाता शिव इस यज्ञ से वंचित रहे, ये मैं नहीं देख सकती। यदि आप निमंत्रण नहीं भेजते तो मुझे स्वयं वहां जाना होगा और मैं अवश्य जाऊंगी। महारानी, हमारी आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम जानती हो? हमारा क्रोध तुम्हें इसी समय जलाकर भस्म कर सकता है। हमारी बेटी सती और शिव के साथ के संबंधों को भस्म करने से पहले आप मुझे भस्म कर दें। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो सकता तो क्या अर्थ है इस यज्ञ का? क्यों कर रहे हैं आप ये यज्ञ? हम संसार के सबसे बड़े सत्ताधारी हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे अधिकारों को चुनौती देने वाली तुम होती कौन हो? नारायण नारायण, शांत हो जाइए भ्राता दक्ष। आपका क्रोध जग प्रसिद्ध है, परंतु यज्ञ करने वाले को क्रोध करना शोभा नहीं देता। नारद, तुम यहाँ भी चले आए? नारायण नारायण, मैं तो बिना निमंत्रण के ही हर कहीं पहुंच जाता हूँ भ्राता दक्ष। इसके लिए ना आश्चर्य की आवश्यकता है न क्रोध की। देवर जी, देख रहे हैं ना इनका हट? आप ही बताइए, शिव शंकर को बुलाए बिना क्या कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है? कदापि नहीं। शिव जी के बिना यज्ञ अधूरा ही नहीं, अनिष्टकारी भी है भ्राता दक्ष। इसीलिए मैं आपको यहाँ सावधान करने के लिए आया हूँ। या तो शिव सती को निमंत्रण भेजिए या इस यज्ञ का विचार ही त्याग दीजिए। ऐसे शिव विहीन यज्ञ से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ये यज्ञ होगा और शिव सती के बिना होगा, ये हमारा निश्चय है और हम अपने अटल निश्चय को कदापि नहीं बदलेंगे। नारद जी की बात मान लीजिए, शिव सती को आमंत्रण भेज दीजिए स्वामी, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपको शिव जी के पास कैलाश जाना स्वीकार नहीं है तो मैं चला जाऊंगा आपका भाई होने के नाते। भावज विरणी की बात मान लीजिए भ्राता। एक तो तुम बिना बुलाए हमारा क्रोध जगाने यहाँ चले आए हो, दूसरे यज्ञ में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहे हो। नारद, हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? देवर्षि नारद आपके भ्राता होने के साथ साथ सबके पूज्य भी हैं। नारायण नारायण, विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी ने ठीक ही कहा है, जब विनाश समीप आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। अब मैं ना आपके इस महल में आऊंगा ना आपके उस अनिष्टकारी यज्ञ में। भावज गिरणी, अब आज्ञा दीजिए, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। नारायण नारायण। सती, तुम यहां अकेली क्यों बैठी हो? अरे, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? इतनी बड़ी बात हो गई और
और आपने मुझसे छिपाई, मुझसे अपनी अर्धांगिनी से। किंतु यदि नंदी ना बताता तो मुझे ये ज्ञात ही ना होता कि मेरे पिताश्री ने उसी पर इतना विश्व मन कर डाला जिसने सृष्टि के हित को ध्यान में रखकर विष को अमृत समझकर पी डाला। क्या उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि स्वयं एक शूद्र सी चीटी होते हुए मेरे आकाश नापते पर्वत से स्वामी से टकराने का फल क्या हो सकता है? विचार दो सती, विचार दो सारी कड़वी बातें जैसे मैंने विचार दी। कड़वाटों के स्मरण से मन मस्तिष्क दूषित हो जाते हैं। तुम्हारा सदा प्रसन्न रहना ही उचित है। सती, भगवान शिव शंकर को चंद्र का प्रणाम। अरे सती, तुम यूं ही खड़ी हो? हम तो तुम्हें साथ ले जाने हेतु आए थे। कहा पति प्रेम में तो तूने सभी को विसार दिया है सती, अपने मायके, अपने माता पिता सबको। बात यह है कि हम लोग यज्ञ में सम्मिलित होने तक्ष महल जा रहे थे, सोचा आप लोगों को भी साथ लेते चले, किंतु आप लोग तो अभी हमें पिताश्री ने निमंत्रित नहीं किया। ये कैसे हो सकता है कि हमें तो आमंत्रित करने में स्वयं आए और तुम्हें विसार दें? यज्ञोजन कोई छोटा मोटा काम नहीं, हो सकता है व्यस्तताओं के कारण इस महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण ना रहा हो। मैं अभी जाकर स्वयं उनसे पूछकर निमंत्रण भिजवाता हूँ, तो हमें अब आज्ञा दीजिए। पिताश्री के इस अनुचित व्यवहार ने मेरे हृदय को व्यथित कर दिया है। मैं स्वयं नहीं समझ पा रही हूँ कि स्थिति का परिणाम क्या होगा। मेरे स्वामी कितने महान हैं। पिताश्री ने भरी सभा में उनका इतना बड़ा अपमान किया और उन्होंने इस दुर्घटना का मुझे आभास तक नहीं होने दिया। उनके स्थान पर अगर मैं होती तो पिताश्री को भला बुरा कहे बिना नहीं रहती मैं। और अब ये एक अपमान के बाद और अपमान, एक जमात और पुत्रियों को तो घर में हो रही यज्ञ में आमंत्रित किया और दूसरे की उपेक्षा कर दी गई। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं और क्या ना करूं? क्या मैं ये विचार दूं कि मेरे माता पिता और एक मातृ ग्रह भी है, अथवा चंद्र और रोहिणी के कहे अनुसार यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए चली जाऊं? हाँ, किंतु यदि पिताश्री ने मेरे स्वामी के विषय में पुनः कोई अनगल बातें कही तो नहीं। तो सुन लेना। नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने स्वामी के अपमान में तो शक भी नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं। तो तू वहां जाने की क्यों सोच रही है जहां अपमान के कांटे चुभने की अधिक संभावना हो, और जबकि तेरे पति ने भी उस प्रसंग को विसार दिया है, तो तू उनकी राख के ढेर में से चिंगारियां चुनने हेतु क्यों जाने की इच्छुक है? ये ज्ञात होते हुए भी कि चिंगारियों को हवा लग जाए तो वे भीषण अग्नि ज्वाला का रूप ले लेती हैं। किंतु मैं अपने हृदय में चिंगारियां समेटे हुए भी जीवित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती मैं जीवित। जो होना है सो हो ले। मैं पिताश्री से ये बात अवश्य पूछूंगी कि जिनके आगे समस्त देवता भी नतमस्तक रहते हैं उन्हें अपमानित करने का उन्हें साहस कैसे हुआ? एक बार और सोच ले, कहीं कोई अनर्थ न घट जाए। यदि मैं न गई
तो यज्ञ के रूप में बिछाया पिताश्री का यह शिव विरोधी षड्यंत्र कहीं जटिलतम न हो जाए। मुझे जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु तू पुनः सदाशिव से विचार विमर्श क्यों नहीं कर लेती? उनका उत्तर संभवता तुम्हारी दुविधा का हल निकाल दे। सती माता की जय। प्रभु, मैं पिताश्री के यहां हो रहे यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं है प्रभु, मुझे तो अपने मातृगृह जाना है, अपने माता पिता के घर, अपने घर। विवाह उपरांत स्त्री का घर वही होता है जो उसके पति का घर हो। ये कैलाश धामी तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ की स्वामिनी हो। इसका तात्पर्य ये कि विवाह उपरांत पुत्री का माता पिता से संबंध टूट जाता है, उन्हें विसार देना ही उचित है। मैंने अपने अपमान को तो विसार दिया, किंतु यदि वहां तुम्हारा तनिक भी अपमान हुआ तो वो मुझसे सहन नहीं होगा। यही सोचकर मैं तुम्हें टोक रहा था, किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रजापति दक्ष, यज्ञ आरंभ करने का समय हो गया है, महारानी वीरणी को बुलवाइए। जो आज्ञा ऋषिवर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बिना भगवान शिव की उपस्थिति के ये यज्ञ नहीं हो सकता। ऋषिवर, मेरे इस यज्ञ के इष्ट देव श्री हरि विष्णु जी हैं। किंतु वो मंगलमय भगवान शिव कहाँ है, जिनकी कृपा से समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं, जिनके नेत्रों से देखे जाने पर मरुभूमि भी लहलहाती पुण्य भूमि बन जाती है। हे दक्ष, ऐसे तेजस्वी मंगलमय भगवान शिव को शीघ्र ही यहां बुलाकर इस यज्ञ की सफलता के प्रति पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओ। देवेश्वरों, यदि वो परम शिव देवी जगदम्बा सहित यहां आ गए तो ही ये यज्ञ पूर्ण हुआ समझो, अन्यथा नहीं। ये मेरा सत्य वचन है। अपना सत्य वचन अपने पास ही रखो तदेश। जब सभी देवताओं के मूल भगवान श्री हरि विष्णु जी यहाँ उपस्थित हों, लोक पितामह ब्रह्मा वेदों उपनिषद और विविध आगमों के साथ यहाँ पधार चुके हों, देवगणों के साथ देवराज इंद्र भी अपना आसन ग्रहण कर चुके हों, वेद और वेदाएं को जानने वाले ऋषिगण भी इस यज्ञ की गरिमा बढ़ा रहे हों, तो हमें उस शिव से क्या प्रयोजन जो अकुलीन, अनाथ और आत्म प्रशंसक है। वो इस यज्ञ में बुलाए जाने के योग्य ही नहीं है। तुम जो चाहे तर्क देते रहो दक्ष, परंतु मैं तो मात्र एक ही बात कहूंगा कि बिना भगवान शिव की उपस्थिति के तुम्हारा ये यज्ञ अयज्ञ हो गया। तुम्हारा विनाश निश्चित है दक्ष, निश्चित है तुम्हारा सर्वनाश, निश्चित है तुम्हारा सर्वनाश। माते, माते, मैं कितनी बार आपसे पूछ चुकी हूँ कि पिताश्री ने भगवान शिव और बहन सती को यज्ञ के लिए आमंत्रित क्यों नहीं किया, किंतु आप कोई उत्तर ही नहीं देती। आप कुछ बोलती क्यों नहीं माते? क्या बोलूं पुत्री, यही कह सकती हूं कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तुम्हारे पिता से मैंने शिव सती को निमंत्रण भेजने का इतना आग्रह किया किंतु उनके हट के आगे मैं हार गई। घर में इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन है, हर्षोत्साह का वातावरण है, किंतु मेरा हृदय किसी अनजान अनिष्ट की आशंका से काम काम जाता है। महारानी जी, महारानी जी, स्वामी ने। क्या हुआ मंगला, इतनी व्याकुल क्यों हो? यज्ञ भूमि में ददीज और स्वामी के बीच भगवान शिव की अनुपस्थिति के कारण कहासुनी हो गई। क्रोध से भरे मुनि और अनेक शिव भक्त
यज्ञ भूमि से उठकर चले गए। जिसका मुझे डर था वही हुआ। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। ओम पराय परमात्मने स्वाहा। पुत्री सती। सती 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 तुम आ गई। अच्छा क्या तुम आ गई। पुत्री सती, पुत्री सती तुम आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया। जब से तुम्हारी सब बहनें आई हैं तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ। मैं यज्ञ में सम्मिलित होने नहीं ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। पुत्री सती तुम। हाँ मैं शिव की अर्धांगिनी सती हूँ प्रजापति दक्ष। मैं वही सती हूँ जिसने शिव को पति रूप में पाने के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध शिव की आराधना की थी और उनके चरणों में स्थान पाया था। ये सब हम जानते हैं। क्या तुम हमारे यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हो। यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव शंकर को आमंत्रित न करके आपने पहले ही विघ्न डाल दिया है पिताश्री। तो फिर आप ये झूठा दोषारोपण मुझ पर क्यों कर रहे हैं। हमने जानबूझकर तुम्हें और तुम्हारे उस भूतनाथ पति को निमंत्रित नहीं किया था ताकि तुम अपनी अनुचित चेष्टाओं से इस यज्ञ के पवित्र वातावरण को अपवित्र न कर सको। हम पूछते हैं कि जब हमने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम अपना अपमान कराने यहाँ क्यों चली आई हो। मैं आपसे उस अपमान के बारे में पूछने आई हूँ जो आपने मेरे स्वामी को नहीं बुलाकर किया है। आपका ये साहस कैसे हुआ कि देवों के देव महादेव को उनके यज्ञ भाग से वंचित रखे। और आपने ये कैसे सोच लिया कि यज्ञ को शिव से वंचित रखने का भारी अपराध करने पर भी आपसे कोई पूछने तक नहीं आएगा। मैं आपसे पूछती हूँ पिताश्री, जब आपने अपनी सभी अन्य पुत्री और जामाता को सहर्ष इस यज्ञ में सम्मिलित किया है तो फिर मुझे क्यों नहीं, मेरे पति महादेव को क्यों नहीं। इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वह कुलीन अमंगलकारी वेदों से बहिष्कृत और क्वेशधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं। सती आज तक पछता रहे हैं। जब तुम बिना बुलाए यहां चली आई हो तो इस यज्ञ में भाग लेकर अपने पति का यज्ञ भाग भी प्राप्त करो। बैठो सती। पिताश्री अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप कैलाश जाकर मेरे स्वामी को आदर पूर्वक यहां ले आइए और इस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कीजिए। एक पुत्री होने के नाते मैं आपसे विनती करती हूँ। नहीं, नहीं, कदापि नहीं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपवन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री परम पावन शिव को अपवन कहकर अपने आप को अपवन ना कीजिए। आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है।
हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो। सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहा है। यदि मैं तुम्हारे उस कर्महीन पति के दोषों को गिनाने लगूंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी। सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु, सृष्टि के रचनाकार परम पिता ब्रह्मा, क्या आप शिव निंदा सुनने के लिए इस यज्ञ में सम्मिलित हुए? जिन सदा शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए आप उनकी स्तुति करते करते नहीं थकते, उन्हीं शिव की निंदा सुनते हुए आप मूर्ति के सम्मान निश्चेष्ट बैठे? क्या आपके प्राण सद्बुद्ध खो बैठे? क्या आपकी अंतरात्मा मर चुकी है? महाराज दक्ष, शिव पत्नी सती इस यज्ञ के वातावरण को दूषित कर रही है, इसे रोकिए और यज्ञ से बहिष्कृत कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं यजमान दक्ष प्रजापति का सरासर अपमान कर रहा हो वो यज्ञ में रहने के योग्य नहीं है, भले ही वो आपकी पुत्री ही क्यों न हो। सती, इसी समय चली जाओ यहाँ से। मैं इस यज्ञ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप और इस यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सभी लोग शिव की अवज्ञा के प्रति खेद व्यक्त नहीं करते। मैं यहाँ से तब ही जाऊंगी जब आप सब शिव से क्षमा मांगेंगे। मैं यहाँ शिव के अपमान का परिमार्जन करने आई हूँ, आपके कहने से चले जाने के लिए नहीं। सती, तुम यह अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट कर रही हो। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं। तनिक इतना तो सोचिए कि अपने पति के अपमान का परिमार्जन न कर पाने पर आपकी ये पुत्री शिव को क्या मुंह दिखाएगी? क्या मैं कैलाश लौटकर शिव से ये कहूंगी कि मैं आपकी निंदा सुनने वहां गई थी? शिव निंदा सुनने वाला भी शिव निंदा करने के समान नरक का पात्र होता है। तो जहां जाना है चली जाओ, तुम्हें रोका किसने है? किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला घोरी, नंद धड़ंग अवधूत, महाकपटी, अति अहंकारी। बस कीजिए दक्ष प्रजापति, बस कीजिए। मैं पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती मैं पति निंदा, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। मेरे स्वामी, आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को दो बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वही के वही मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी।
विनाश हो जाएगा, तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा और उससे तेरी रक्षा करने का किसी ने प्रयत्न भी किया तो उसका अंत निश्चित है। कुछ ही समय में यहाँ विनाश का तांडव होने वाला है, विनाश का तांडव होने वाला है, विनाश का तांडव होने वाला है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। दक्ष, शिव की निंदा और उपेक्षा करके तुमने वो दंडनीय अपराध किया है जिससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं मैं भी नहीं। तुम्हारा उद्धार हो सकता है तो चराचर पति शिव के हाथों। प्रभु, प्रभु, महर्षि प्रभु, अब इस संकट से आप ही मुझे उबारिए, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए। अभता सूरा रक्षांसि वेदि सदा। Ha 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 ha
शंकर। दक्ष मुझे पति से टक्कर। जय गंगाधर। ये ले दक्ष। दुष मुझे चमत्कार दिखलाता है, अभी बताता हूं। जय भूता अभी, मैं अभी तेरी माया का सर्वनाश कर देता हूं। जय मृत्युंजय महादेव। दक्ष संभाल अपने आप को। यदि तू अपने आप को इतना ही शक्तिशाली समझता है तो मेरे बराबर का होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर। नहीं महारानी, ये सत्य है। प्रजापति महाराज दक्ष अब इस संसार में नहीं रहे। क्या मेरे स्वामी इस संसार में नहीं रहे? मेरा सुहाग मिट गया है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते। इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं नहीं रहना चाहती। शांत हो जाइए माते, शांत हो जाइए। दक्ष प्रजापति जीवित हैं। क्या मस्तिष्क विहीन होने के उपरांत भी उनका शरीर निस्तेज नहीं हुआ है? शिव इतने कठोर नहीं माते कि किसी के प्राण हर लें। उन्होंने तो पिताश्री को केवल उनकी करनी का दंड दिया है। अब आप ही शोक त्याग दीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि वो शीघ्र से शीघ्र पिताश्री को पुनर्जीवित कर दें। मैं शिव से प्रार्थना करूं अपने पति को जीवन दान देने के लिए? मैं तो, क्या वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे? हाँ माते, शिव शंकर दयालु है, वे अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। शिव ने ही तो हमारे पति को मृत्यु के मुख से बचाया था, क्या आपको ज्ञात नहीं माते? तुम्हारे पति चंद्रदेव तो शिव के भूषण हैं, शिव के परम प्रिय हैं, इसीलिए शिव ने उन्हें जीवन दान दिया। परंतु मेरे पति तो शिव के द्रोही थे। मेरे पति के समान शत्रुता तो संसार के किसी प्राणी ने शिव के साथ न की होगी। ऐसे शिवद्रोही को भला शिव कैसे क्षमा कर सकते हैं? मैं किस मुंह से शिव से
अपने पति के अपराधों की क्षमा मांग लूं रोहिणी, कैसे कैसे? पतिव्रत और पति की शिवद्रोहिता के तिराहे पर किं कर्तव्य विमूढ़ खड़ी वीरणी निश्चय नहीं कर पा रही थी कि पति के जीवन का दान मांगने वो भोलेनाथ की शरण में जाए भी तो कैसे जाए। पति के शिवद्रोह ने उसके पग जकड़ लिए, पति की मृत्यु ने उसकी चेतना जड़ कर दी। मन में रह रहकर यही प्रश्न उठता रहा कि क्या भोलेनाथ उसके अभिमानी विद्रोही और अविवेकी पति को जीवन दान देंगे। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय।